प्याव फाउंडर्स की जानिब से आज हार रोड पर मीटिंग और खाने का एहतमाम किया गया, जहां पर मलिक फारूक, मलिक अमानत अली और काशिफ बशीर समेत तमाम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मलिक अमानत अली का कहना था कि आज की मीटिंग का मकसद जो प्याव फाउंडर्स के कैंडिडेट हैं वो और जो कम्पेन कर रहे हैं प्याव फाउंडर्स के लिए, वो सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मीटिंग का हमारी लाहौल रोड पे प्याव फाउंडर अलायंस के जो कैंडिडेट्स थे वो और जो इलेक्शन कम्पेन चला रहे हैं वो सारे यहाँ आए हुए थे हमारे ऑफिस में, क्योंकि हर मार्केट का अलग अलग एक है, क्योंकि कुछ SOPs की वजह से थोड़ी सी एक सख्ती भी हुई है और हमें चाहिए इस हुकूमत का साथ भी देना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए SOPs पे, क्योंकि ये खाली हुकूमतों का फ़र्ज़ नहीं होता, हमारा भी फ़र्ज़ है। इसलिए कि बड़े महदूद अदारे में रहकर ये कम्पेन हो रही है, नहीं तो ये कम्पेन बड़ी अरूज तक जाती थी हर साल, इस दफ़ा थोड़ा सा इधर SOPs की वजह से आराम से हो रही है। ये आपको फ़र्क जो है ना 26 तारीख को इंशाल्लाह आपको पता चलेगा सबको, और पूरे लाहौर में एक डंका बजेगा प्याज फाउंडर्स का, और इंशाल्लाह एक नंबर जो है ना वो इंशाल्लाह एक नंबर ही होगा और पूरे ऊपर ही आएगा इंशाल्लाह सबसे। मलिक अमानत अली का मजीद ये भी कहना था कि 26 तारीख को सबको पता चल जाएगा प्याज फाउंडर्स का एक डंका बजेगा लाहौर में। कैमरा मैन अब्दुलरहमान के साथ ईशान चौधरी, जहां न्यूज HD लाहौर। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।